जब आपकी किडनी खराब हो चुकी रहती है 50%, तब आपको पता चलता है कि आपकी किडनी खराब हो गई है। तब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को अपने सिम्टम्स बताते हैं कि मुझे पेशाब करने में दिक्कत हो रही है, पेशाब कम मात्रा में आ रही है, पेशाब में गाढ़ापन आ रहा है, मेरी पेशाब का कलर चेंज हो गया है, मुझे पेशाब बहुत कम मात्रा में आती है, मुझे प्यास बहुत कम लगती है, भूख मेरी बहुत ज़्यादा कम हो गई है, मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन रहती है, मैं अपने पैर को टच करता हूँ या टच करती हूँ तो एक उंगली से घुस जाती है, इस टाइप की सूजन रहती है और पैर की सूजन दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। मेरी पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा खुजली होती है और ये खुजली बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मुझे उल्टी जैसे लगता है या मुझे बहुत ज़्यादा उल्टी हो जाती है, मेरा पेट सही से साफ नहीं होता है, इस टाइप के पेशेंट सिम्टम्स बताता है। जब पेशेंट से हिस्ट्री ली जाती है पेशेंट की, तो बताता है मुझे शुगर है, 8 से 10 साल हो गए मुझे शुगर है, मैं शुगर की मेडिसिन खाता हूँ या शुगर की मेडिसिन खाती हूँ, या फिर मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, मेरा बीपी हमेशा बढ़ा रहता है, या हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम है, मुझे इतने साल हो गए हैं, 8 से 10 साल हो गए हैं, 12 साल हो गए मुझे हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम है, या फिर मैं कई सालों से एलर्जी की मेडिसिन ले रहा हूँ या एस्ट्रोजन ले रहा हूँ, मुझे कई सालों से स्किन की बीमारी थी तो मैं कई सालों से मेडिसिन ले रहा हूँ या फिर कोई अदर स्टेरॉइड ले रहा हूँ, ये सारी जानकारी पेशेंट देता है। जब ये सारी जानकारी पेशेंट देता है उसके बाद हम कुछ ब्लड टेस्ट करवाते हैं। जब कुछ ब्लड टेस्ट करवाते हैं, टेस्ट में हम सीरम क्रिएटिनिन करवाते हैं या फिर ब्लड यूरिया करवाते हैं या फिर डायरेक्ट हम किडनी फंक्शन टेस्ट करवा लेते हैं, हम CBC करवाते हैं, यूरिन रूटीन करवाते हैं। ब्लड की रिपोर्ट में हमें पता चलता है कि पेशेंट का सीरम क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है और काफ़ी बढ़ा हुआ है, ब्लड यूरिया पेशेंट का बढ़ा हुआ है, हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत ज़्यादा कम है। जब आप यूरिन रूटीन करवाते हैं तो यूरिन रूटीन में एल्बुमिन की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में आती है, 1+ आती है, 2+ आती है, यूरिन देखने में एकदम हैजी नज़र आती है, तब पता चलता है डॉक्टर को ये किडनी पेशेंट है, किडनी का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको होम्योपैथी मेडिसिन भी बताऊंगी एंड आप किडनी का एलोपैथी ट्रीटमेंट के साथ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। जब ज़्यादा किडनी खराब हो जाती है आपकी दोनों, तो उस कंडीशन में आपका सीधे डायलिसिस होता है या फिर आपकी किडनी ट्रांसफर हो जाती है, आपको एक न्यू किडनी लगवानी रहती है। कई बार ऐसी कंडीशन रहती है कि पेशेंट डायलिसिस रेगुलर करवाता है उसके बाद भी उसकी कंडीशन ठीक नहीं होती है, पेशेंट डायलिसिस करवाता है, डायलिसिस के साथ साथ आप साइड में होम्योपैथिक मेडिसिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी बॉडी में यूरिया एंड क्रिएटिनिन वेस्ट प्रोडक्ट रहता है, यूरिन के रास्ते से निकल जाता है फिल्ट्रेट होके किडनी। जब दोनों किडनी सही से हमारी काम नहीं करती हैं तो यही यूरिया और क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ने लगता है, ये वहीं पे वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर होने लगता है। जब ये वेस्ट मटेरियल बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो किडनी अपना फंक्शन कम कर देती है, किडनी सही से काम नहीं कर पाती है, एक बहुत बड़ा रीज़न होता है किडनी खराब होने का। किडनी की एक नॉर्मल रेंज रहती है 0.7 से 1.3 mg/dL। इस रेंज से अगर ज़्यादा वैल्यू आए किडनी की, मान लीजिए आपकी किडनी धीरे धीरे खराब होना स्टार्ट हो गई है, किडनी एकदम से खराब बिल्कुल नहीं होती, किडनी को खराब होने में 10 से 12 साल लगते हैं। जब भी किडनी आपकी डैमेज हो चुकी है 50%, तो उस कंडीशन में आपको कुछ डाइट फॉलो करनी रहती है, कुछ डाइट आपको खाना रहता है और कुछ नहीं खाना रहता है। साथ में आपको होम्योपैथिक मेडिसिन भी बता देती हूँ कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेना है आपको एलोपैथी मेडिसिन के साथ। जब भी आप एलोपैथी मेडिसिन लेते हैं तो आधे घंटे बाद ही आप होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिएगा, काफ़ी हद तक आपका यूरिया क्रिएटिनिन कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन आपको इस मेडिसिन को रेगुलर यूज करना पड़ेगा, गैप बिल्कुल नहीं करना है। ये ड्रॉप रेडिएंट कंपनी का है, 90 नंबर ड्रॉप है ये। इस ड्रॉप का नाम है ब्लड यूरिया एंड क्रिएटिनिन ड्रॉप, बहुत ही इफेक्टिव ड्रॉप है। इस ड्रॉप को होम्योपैथिक मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से तैयार किया गया है, तो इस ड्रॉप का आपको कोई साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा। इस ड्रॉप को आपको लेना है 3 टाइम, मॉर्निंग आफ्टरनून नाइट, 20-20 ड्रॉप पानी गर्म कर लीजिएगा, आधे कप पानी में इस ड्रॉप को डालिएगा, मिक्स करके पी लीजिएगा, बहुत ही इफेक्टिव ड्रॉप है, इसे आपको लगातार लेना है। इस ड्रॉप का बिल्कुल आपको गैप नहीं करना है। साथ में ये भी देखा जाएगा कि आपका हीमोग्लोबिन कम है तो हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए अलग दवाई दी जाएगी,
आपको शुगर है, शुगर के कारण आपकी किडनी डैमेज हुई है तो शुगर की भी मेडिसिन दी जाएगी। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है, तो हाई ब्लड प्रेशर की भी मेडिसिन दी जाएगी। या फिर आपको कोई दूसरी अन्य बीमारी है जैसे HIV है, HBCG है, तो उसकी अलग मेडिसिन दी जाएगी। उसके बाद फिर आपको और भी बहुत सारी मेडिसिन दी जा सकती है। साथ में एक और मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं, लाइकोपोडियम। इस मेडिसिन को आपको 3 टाइम यूज करना है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट, 2-2 ड्रॉप यूज करना है और लगातार यूज करना है। साथ में और भी मेडिसिन दी जा सकती हैं। इस मेडिसिन को लेके और जो आपको दिक्कत है आपकी बॉडी में, जो सिम्टम्स है, जो बीमारी है, वो मेडिसिन को लेके आपकी किडनी को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करेगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।